हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि अब से आप किसी भी साइबर कैप से आधार कार्ड डाउनलोड करके उसे प्रिंट करवा करके उसे कार्ड बनवा करके अपने पास रखते हैं और उस आधार कार्ड को आप कहीं पर भी शो करते हैं तो उस आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब से आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा उसी आधार कार्ड को जो आपके पास गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। आधार कार्ड आप ऑनलाइन करके पीवीसी कार्ड जो गवर्नमेंट के थ्रू आप मंगवा सकते हैं, जो कि पोस्ट के थ्रू आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, तो उसी आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा। क्योंकि जो आपके घर पे जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आता है उस आधार कार्ड में कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन वही आप किसी साइबर कैप से डाउनलोड करवाते हैं, उसे कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते हैं। तो इस कारण से आप जो गवर्नमेंट के थ्रू मंगवाएंगे आधार कार्ड, उसी आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा। तो किस तरीके से आप अपने मोबाइल से जो कि ऑर्डर कर सकते हैं आधार पीवीसी कार्ड, जो कि 50 रुपीज को आपको पेमेंट करना होगा और आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं उस कार्ड को। तो किस तरीके से आपको आधार पीवीसी कार्ड आपको घर पे मंगवाना है, जो कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल में टैप करना है UIDAI.gov.in और इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके न्यू वाली वेबसाइट पे आपको जाना होगा। तो न्यू वाले वेबसाइट पे आपको किस तरीके से जाना है, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर करके नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन पे देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं गेट योर आधार कार्ड, जो कि इस तरीके से पीवीसी कार्ड आएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, आधार नंबर में आपको अपना आधार नंबर टैप कर देना है। आधार नंबर टैप करने के बाद यहां पे ये कैप्चा आपको यहां पे टैप कर देना है और इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करके एक कोई भी मोबाइल नंबर आपको टैप कर देना है और इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटर ओटीपी पर आपको क्लिक करना है और ओटीपी टैप कर देना है। ओटीपी टैप करने के बाद थम्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, खुलने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओके पर प्रेस करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, और दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई, पेटीएम। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यूपीआई। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फोनपे सेलेक्ट करेंगे। फोनपे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी टैप करेंगे। इसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओपन फोन पे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन आ गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है, जो कि ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे एस आर नंबर भी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस रिसीविंग को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये कैप्चर यहाँ पे हम टैप कर देंगे। ये कैप्चर यहाँ पे हम टैप कर चुके हैं। इसके बाद हम डाउनलोड एक्नोलॉजमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कि इसका रिसिप्ट मुझे डाउनलोड हो चुका है मेरे मोबाइल में। इसके बाद यहाँ पे हम इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो कि जब चाहे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि एसआर नंबर आपको रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं या जो आप रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे उसमें लिखा रहता है। तो आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसआर नंबर टैप करेंगे और ये कैप्चर यहाँ पे टैप करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टेटस आ चुका है। यहाँ पे आप करंट स्टेटस में देख सकते हैं प्रिंट इन प्रोसेस, क्योंकि अभी मैंने जस्ट किया है तो यहाँ पे प्रिंट इन प्रोसेस लिखा आ रहा है। इसका आप स्टेटस हमेशा चेक कर सकते हैं। जो कि आप ये प्रोसेस कर देते हैं तो आपके घर पे जो कि 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा जो कि पोस्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ओरिजिनल पीवीसी आधार कार्ड आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं तो मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।